आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। शाम के 4 बज चुके हैं। शुरुआत इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ करेंगे। पहली बड़ी खबर, नए साल से पहले किसानों को सरकार ने तोहफा दिया है। सरकार ने प्रदेश के दीर्घकालीन ऋण पर 5% ब्याज छूट की योजना लागू कर दी है। इस योजना के तहत 1 अप्रैल 2014 से ऋण लेने वाले किसान को छूट मिलेगी, यानी कि वो किसान पात्र होंगे। दूसरी बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत ने मिलावटखोरों को चेतावनी दी है। सीएम ने ट्वीट करके कहा है कि प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा कि नकली चीजें स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तीसरी बड़ी खबर, गरीब प्रसूता से इलाज के नाम पर ज्यादा पैसे मांगने के मामले में कोटा सीएमएचओ ने जांच पूरी कर रिपोर्ट जिला कलेक्टर को सौंप दी है। सीएमएचओ ने भी यह माना है कि राधा कृष्णा अस्पताल ने गैर जिम्मेदार रवैया अपनाकर गरीब मरीज से ज्यादा पैसे जमा कराने की डिमांड की थी। चौथी बड़ी खबर, प्रदेश में आज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जैसलमेर और सिरोही में बस पलटने से दर्जनों यात्री घायल हो गए। कई गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इस बीच जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा को हरी झंडी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरी झंडी दे दी। 3 जनवरी से 13 जनवरी तक होगी परीक्षा, यानी कोई तिथि आगे नहीं बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ललित इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। ललित, इससे पहले शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करके जानकारी दी थी, वो जी राजस्थान पर जुड़े, उन्होंने साफ ये भी कहा था कि तिथि आगे बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है। लेकिन इस बीच डेलीगेशन ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मुलाकात की थी, तो शायद लगा कुछ डिफरेंस होगा, लेकिन अब स्थिति साफ हो गई है कि तय तारीख के अनुसार ही परीक्षा होगी। जी बिल्कुल लक्ष्मी, आपको बता दें कि जी राजस्थान ने कल शाम को ही इसकी जानकारी दे दी थी कि परीक्षा आगे नहीं बढ़ेगी। सरकार ने ये साफ कर दिया था कि परीक्षा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। और अब आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जो प्रतिनिधि मंडल थी उसकी मुलाकात के बाद ये साफ हो गया है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी परीक्षा को समय पर कराने की हरी झंडी दे दी है। सब कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, उसको लेकर पूरी वार्ता हुई थी। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की वार्ता का दौर चला था। उसके बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जानकारी दी है कि जो परीक्षा है वह समय पर होगी। हालांकि शिक्षा मंत्री ने साथ ही ये कहा है कि जो आने वाला टाइम है उसमें भी अन्य 3000 पदों पर भर्तियां निकालेंगे। इसके साथ ही अप्रैल या मई में रीट की परीक्षा आयोजित होने जा रही है, तो ऐसे में बेरोजगारों को परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। हालांकि प्रतिनिधिमंडल ने इस बात का काफी विरोध किया, लेकिन जो कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी थी उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि जो परीक्षा है वह समय पर ही आयोजित कराई जाएगी। सरकार के इस फैसले के बाद जो इसकी प्रतिक्रिया थी वह भी सामने आने लगी है। प्रतिनिधिमंडल और बेरोजगारों का ये कहना है कि सरकार ने 2 दिन वार्ता में जाया किया है, ऐसे में अब बड़ा आंदोलन किया जाएगा और जो प्रदेश भर के बेरोजगार हैं वे जयपुर में जुटेंगे। तो सरकार इसको लेकर भी पूरी तरीके से तैयार है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया है कि जो बेरोजगारों से उन्होंने वार्ता की है और वार्ता में आगे आने वाले टाइम में परीक्षाएं निकालने का जो वादा किया है उससे वे संतुष्ट नजर आए हैं। तो ऐसे में अब जो आंदोलन है वह भी दो फाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया ललित आपका पूरी बातचीत के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। एक बड़ी अपडेट आपको बता दें कि अब कोई तिथि आगे नहीं बढ़ेगी। हरी झंडी मुख्यमंत्री की ओर से दे दी गई है। 3 जनवरी से 13 जनवरी के बीच परीक्षा आयोजित की जाएगी। रविवार की शाम को हुए रणवीर हत्याकांड के मुख्य आरोपियों की तस्वीरें सामने आ गई हैं। 4 आरोपी शिवराज गैंग के गुर्गे हैं, जिन्होंने वर्चस्व बनाए रखने के लिए रविवार शाम को खूनी खेल खेला और हिस्ट्री शीटर रणवीर चौधरी को ताबड़तोड़ फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया था। इसके पीछे की वजह वर्चस्व की जंग बताई जा रही है। रविवार की शाम को आर के पुरम थाना इलाके में श्रीनाथपुरम स्टेडियम के बाहर शिवराज गैंग के गुर्गों ने 20 राउंड फायर कर रणवीर को मौत के घाट उतार दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 15 गोलियां रणवीर के सीने पर लगी, पीठ और कंधे में लगी, जिनमें से 303 की 5 गोलियां रणवीर के सिर में लगी, जिससे रणवीर की खोपड़ी के परखच्चे उड़ गए। फिलहाल पुलिस ने शिवराज गैंग के इन 4 बदमाशों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है और इनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। वहीं रणवीर को आखिरी कॉल कर बुलाने वाले विक्रम नामक शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। तो ये गैंगवार इस तरीके की तस्वीरें ये बता रही हैं कि गैंगवार थमा नहीं है। कुछ दिन पहले तक लोगों में दहशत नहीं थी, लोगों का कहना था कि तमाम कार्रवाई की गई पुलिस की ओर से, इसके बाद गैंगवार खत्म हो गया है। लेकिन रणवीर की हत्या के बाद ये एक बार फिर से स्पष्ट हो गया है कि राजस्थान में गैंगवार अभी जिंदा है, इसे खत्म करना होगा।
के शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। के रणवीर के हत्या आरोपियों की पहचान हो गई है, एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, आगे क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ कार्रवाई की पुलिस ने, क्या सफलता हाथ लगी? फॉर्चून देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो रणवीर हत्याकांड है उसके जो मुख्य आरोपी है चार, उनकी पहचान हो चुकी है। चारों के चारों जो है शिवराज गैंग के गुटे बताए जा रहे हैं। अजय सिंह हाड़ा और पाजू पहला नाम जो जुर्म की दुनिया में बहुत बड़ा अपना अपना नाम बताया जाता है, क्योंकि शिवराज जो मुख्य गैंग को लीड करता है वो यही शख्स करता है, क्योंकि चूंकि शिवराज अभी जेल में बंद है भानु हत्याकांड के अंदर, तो ऐसे में जो अज्जू है वही पूरी गैंग को लीड कर रहा था। साथ में तीर मोहम्मद और तिरू ये दूसरा शख्स है, तीसरा अरुण जो इसका लड़का है, दोनों बाप पिता पुत्र ये, और चौथा टिंकू, चारों की पहचान हो चुकी है। चारों के जो ठिकाने हैं उन ठिकानों पर पुलिस लगातार दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक किसी तरह की सफलता नहीं मिली है। लेकिन आपको बता दूं, विक्रम और एक शराफत, दो जो शख्स हैं उनको पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा एक महेश नाम का शख्स है जो अज्जू को कर्मी बताया जाता है, इसको भी पुलिस ने डिटेन किया हुआ है, इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। चारों के ठिकानों पर अभी दबिश कई बार दी गई है, जो भी संभावित ठिकाने थे वहां पर पुलिस गई है, लेकिन अभी किसी तरीके की सफलता पुलिस को इन चारों के नजरिए से नहीं मिली है। लेकिन जिस तरीके से ये आइडेंटिफाई हुई है अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से ब्लाइंड मर्डर हुआ था उस ब्लाइंड मर्डर के बाद में इन चारों का नाम आना, चारों के नाम के साथ में इनकी तस्वीरें सामने आना, ये अपने आप में कहा जा सकता है कि पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। के शर्मा। नागौर के डीडवाना में एक बुजुर्ग दंपत्ति को उनकी बहू ने घर से बाहर निकाल दिया, जिसके चलते बुजुर्ग दर दर की ठोकर खाता रहा, रहने को कहीं ठिकाना नहीं मिला तो मंदिर में शरण ली। परेशान दंपत्ति अपनी परेशानी लेकर उपखंड अधिकारी के पास पहुंचा, लेकिन तबीयत ठीक न होने का बहाना बनाकर अधिकारी उनसे मिले नहीं। लड़खड़ाते कदमों से एक दूसरे को थामते बुजुर्ग दंपत्ति तहसीलदार के आवास पहुंचे और अपनी फरियाद सुनाई, जिसके बाद तहसीलदार मौलासर थाना अधिकारी के साथ बुजुर्ग दंपत्ति को साथ लेकर उनके घर पहुंचे। बहू को पावन करने के साथ साथ बुजुर्ग दंपत्ति का ध्यान रखने, भरण पोषण के लिए पावन करने के निर्देश भी दिए। साथ ही थाना अधिकारी को पालना रिपोर्ट पेश करने का आदेश भी दिया गया। रात को मार पीट करती है, गंदे गंदे शब्द बोलती है मेरी बेटी को, और हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया। उसके बाद में हमें न अंदर घर में घुसने देते हैं, न कुछ और करने देते थे। हम खाना खाए खाते हैं तो वो भी मैं हम कहाँ खाएं कहाँ हैं, हमारे को कमाने के मुँह पर चढ़ाए। तत्काल कार्रवाई करते हुए थानाधिकारी मौला सर को ये आदेश दिए हैं कि वो तत्काल मौके पर पहुँच कर ताला खुलवा कर इन्हें गृह प्रवेश कराएं और उसकी पालना रिपोर्ट मुझे तत्काल भिजवाएं। बांसवाड़ा पुलिस अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ लगातार शिकंजा कस रही है। पुलिस ने गढ़ी थाना क्षेत्र के गुजर रही चाप नदी में एसपी के निर्देशन में लगातार तीसरे दिन भी कार्रवाई की। एसपी केसर सिंह शेखावत खुद मौके पर पहुंचे और बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने अब तक चाप नदी से अवैध बजरी खनन करने वाले माफियाओं की 9 नाव, 9 बजरी निकालने वाली मशीनें और एक जेसीबी को जब्त किया है। बता दें कि इन दिनों चाप नदी पर धड़ल्ले से अवैध बजरी का खनन किया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद से बजरी माफिया अंडरग्राउंड हो चुके हैं। मिलावट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम गहलोत ने इस मुद्दे पर ट्वीट किया है, राजस्थान में खाद्य मिलावटी उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सीएम ने ट्वीट करके कहा है कि मिलावटखोरों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया जाएगा, मिलावट में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि ये विभिन्न बीमारियों का कारण बनता है। नए साल से पहले किसानों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने प्रदेश में दीर्घकालीन ऋण पर 5% ब्याज छूट की योजना लागू कर दी है। इस योजना के तहत 1 अप्रैल 2014 से ऋण लेने वाले किसान छूट के पात्र होंगे और किसानों को 31 मार्च तक अपना कर्ज चुकाना होगा। तय समय सीमा से पहले ऋण चुकाने वाले किसानों को ही ब्याज में छूट दी जाएगी। आपको बता दें कि सीएम गहलोत ने सरकार की सालगिरह पर इसकी घोषणा की थी, जिसके बाद वित्त विभाग ने इसको मंजूरी दी और सहकारिता विभाग ने योजना लागू कर दी है। इस योजना के तहत सरकार 23.50 करोड़ का अनुदान देगी।
कर्नाटक में भी इसी प्रकार से इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लागू है अभी, तो इस प्रकार की प्रक्रिया राजस्थान में भी चालू होने की संभावना है। उसकी जो प्रोसेसेस हैं वो चालू हो चुकी हैं, फाइल्स सही सक्षम स्तर पर अभी अनुमोदन के लिए गई हुई है। हमें विश्वास है कि जैसे ही वो आता है उसका भी प्रक्रिया राजस्थान में जो पीएलडीबी के कृषक बंधु हैं उनको लाभ मिल सकेगा। 15 दिसंबर के बाद प्रदेश में मौसम ने ऐसी करवट ली है कि प्रदेशवासियों को कड़ाके की सर्दी से निजात मिलती नजर नहीं आ रही। जहां दिन के तापमान में करीब 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं रात के तापमान में करीब 7 से 8 डिग्री तक गिरावट दर्ज हुई है। प्रदेश में बीते एक सप्ताह में रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अधिकतर जिलों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज होने से कड़ाके की सर्दी रात को भी सता रही है। बीती रात अलवर में सबसे कम 3.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान जहां करीब 2 दर्जन जिलों में घना कोहरा छाने के साथ ही शीतलहर लोगों को परेशान करेगी, तो करीब आधा दर्जन जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की भी संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। प्रदेशभर में सर्दी का सितम जारी है। आपको हम 6 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर आप देखेंगे राजधानी जयपुर से, इसके बाद झुंझुनू की तस्वीर। झुंझुनू में सर्दी का असर तेज हो गया है। यहां रात का तापमान 5.1 डिग्री दर्ज किया गया। सुबह से सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए, तो वहीं सीकर के खाटू श्याम जी में बारिश और ओलावृष्टि के बाद अब सर्दी के तेवर और तीखे हो गए हैं। बर्फीली हवाओं से लोगों को परेशानी हो रही है। बारा में सुबह से ही मौसम ने अचानक करवट बदली और बादल छा गए। इस दौरान जिले की कई जगहों पर तेज बारिश हुई है, जिससे मौसम में ठंडक बढ़ गई है। वहीं कोटपुतली भी कोहरे के आगोश में है। हाईवे पर लोगों को वाहनों की लाइट जलाकर चलने को मजबूर होना पड़ा है। 6 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। फतेहपुर शेखावाटी और सीकर में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। सीमावर्ती क्षेत्र में कोहरे की चादर से आमजन की दिनचर्या मानो रुक सी गई है। वहीं श्रीगंगानगर और आसपास के इलाकों में न्यूनतम पारा लुढ़ककर 6 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। रोज कमाकर खाने वालों को रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। कोहरे और सर्दी से बचाव के लिए शाम ढलते ही अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ही एकमात्र साधन है। दिन भर कोहरा छाया रहने से आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो रहा है। आवागमन के साधन भी देरी से चल रहे हैं। सीकर के नीम का थाना में इन दिनों सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। सुबह से ही क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे लोग अपने घरों में ही दुबके हुए हैं, तो वहीं कोहरे से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। उधर कोटपुतली में भी आज सुबह से ही क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन काफी प्रभावित होता दिखा। कोहरे के चलते क्षेत्र में विजिबिलिटी काफी कम दिखाई दी, जिससे ठंड का असर देखने को मिला। ठंड के चलते अधिकतर लोग घरों में दुबके नजर आए, तो वहीं अधिकतर अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। सर्दी के चलते कोटपुतली चंदवाजी पनियाला क्षेत्र में ज्यादा दुर्घटनाएं भी सामने आई हैं। खास तौर से अगर आपको आवश्यक नहीं हो, अपहारी है आपका अगर नहीं हो, तो आप कम से कम सवेरे 5-6 बजे से लेकर 9-10 बजे के टाइम में यात्रा ना करें। अगर करनी भी पड़ती है तो वाहन बहुत ज़्यादा अति सावधानी के साथ चलाएं और धीमी गति से चलाएं। नैनवा एसडीएम कैलाश चंद गुर्जर को एयर गन से फायर करना महंगा पड़ गया है। सरकार ने इसे गंभीर मानते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार उनके इस आचरण को अशोभनीय माना गया है, जिसके लिए उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया है। गौरतलब है कि एसडीएम कैलाश गुर्जर ने नैनवा के कजरावता गांव में निर्माणाधीन पेट्रोल पंप पर फायरिंग की थी। फायरिंग के बाद आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। पुलिस जांच में उपखंड अधिकारी कैलाश गुर्जर ने बताया था कि उन्होंने शौकिया तौर पर निशाना लगाना सीखने के लिए फायरिंग की थी। जयपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल बैठक में नाराज नजर आए। इस वक्त की बड़ी खबर, अधिकारियों को मंत्री शांति धारीवाल ने दो टूक सुनाया है, मुझे आंकड़े नहीं काम चाहिए। धारीवाल ने साफ कहा है, कचरा निस्तारण को लेकर अधिकारियों को लगाई है लताड़।
अवैध डेयरियों को हटाने के निर्देश दिए। जलदाय विभाग के अधिकारियों को दिए विशेष निर्देश, घर घर जाकर पानी की जांच करें। कई बार आ चुकी हैं दूषित पानी की शिकायतें, दूषित पानी से बीमारियां बढ़ रही हैं, ये भी कहा गया है शांति धारीवाल की ओर से। यानी कड़ी नाराजगी सामने आई है, कड़े निर्देश दिए गए हैं, लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी, आंकड़े नहीं चाहिए, काम चाहिए। बैठक में काफी सख्त रुख अपनाते हुए नजर आए मंत्री शांति धारीवाल। आबकारी विभाग ने हनुमानगढ़ में गबन हुआ तो पूरे प्रदेश में दस्तावेजों को खंगालने का काम शुरू कर दिया है। हनुमानगढ़ आबकारी विभाग में 2 करोड़ रुपए गबन के बाद उदयपुर मुख्यालय ने पूरे प्रदेश के दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। दस्तावेज जांचने के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है जो गबन करने वालों को पहुंचाएगा सलाखों के पीछे। देखिए रिपोर्ट। आबकारी विभाग ने हनुमानगढ़ में करोड़ों रुपए गबन के प्रकरण के बाद दस्तावेज जांचने का नया सॉफ्टवेयर इजाद कर दिया है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए सभी जिला आबकारी अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2019-20 के दस्तावेजों की जांच शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। हनुमानगढ़ जिले में विभाग की जिस इग्रास साइट में फर्जीवाड़ा कर 2 करोड़ का गबन किया जा चुका है, हनुमानगढ़ जिले के करीब 45 ठेकेदारों सहित एक कर्मचारी पर तहसील नोहर भादरा और रावतसर थाने में मुकदमे दर्ज करवाए जा चुके हैं। आबकारी विभाग में 2019-20 में 1 करोड़ का गबन होने पर विभाग के अधिकारियों ने ठेकेदारों को धरोहर राशि जब्त करने की चेतावनी दी तो करीब 95 लाख की रिकवरी कुछ दिन में ही कर ली गई। लेकिन 2018-19 में 1 करोड़ का गबन कर करीब 10 लाख रुपए की रिकवरी हो पाई। चालान वेरिफिकेशन का सिस्टम डेवलप किया है जिसमें अभी 19-20 के हमने करीब 1 लाख चालान में से 90,000 चालान वेरिफिकेशन हो गया है और उसमें इस तरह का कोई गबन नहीं हुआ है। शेष भी हम शीघ्र कर लेंगे और उसके पश्चात 18-19 का भी हम वेरिफिकेशन करके इस तरह की कोई भी हुआ है तो उसका पता करेंगे। बहरहाल हनुमानगढ़ में करीब 2 करोड़ के गबन के बाद ये गड़बड़ी कहीं अन्य जिलों में तो नहीं की गई। इसकी पुष्टि करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के रिकॉर्ड की जांच करने के लिए सभी जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिया गया है। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 3 दिवसीय प्रवास पर अपने गृह नगर कोटा में हैं, जहां वो निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। सीपी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में बिरला ने स्टूडेंट्स को उपाधियों से नवाजा और विभिन्न विषयों में शोध करने वाले करीब 1100 छात्रों को उपाधियां दी। उपाधियां पाने वालों में कजाकिस्तान, नाइजीरियन, अफगानिस्तान सहित कई विदेशों के छात्र शामिल थे। ओम बिरला ने स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं देते हुए अपने संबोधन में कहा कि कड़े परिश्रम के बाद ये अवसर स्टूडेंट्स को मिलता है, ज्ञान के संकल्प का ये दिन जिंदगी भर स्मरण रहता है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, रीट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 2 अगस्त 2020 को होगी अध्यापक पात्रता परीक्षा। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पात्रता परीक्षा को हरी झंडी दे दी है। इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ी खबर है, रीट से जुड़ी हुई। 2 अगस्त 2020 को अध्यापक पात्रता की परीक्षा होगी, यानी रीट परीक्षा होगी 2 अगस्त 2020 को। ललित इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। ललित, रीट से जुड़ी ये बेहद बड़ी खबर, 2 अगस्त 2020 को अध्यापक पात्रता की परीक्षा का ऐलान कर दिया है सरकार ने। जी बिल्कुल लक्ष्मी, आपको बता दें कि रीट की जो परीक्षा थी यानी कि अध्यापक पात्रता परीक्षा, इसको लेकर लंबे समय से इंतजार हो रहा था। फरवरी 2018 को अंतिम बार ये परीक्षा हुई थी और अब 2 अगस्त 2020 को इस परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। 31,000 पदों को लेकर यह परीक्षा होगी। आपको जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पात्रता परीक्षा को हरी झंडी दे दी है। अगर एनसीईटी की बात करें तो हर साल ये परीक्षा आयोजित होनी थी, लेकिन 2015 से लेकर 2020 तक की अगर बात करेंगे तो अभी तक महज ये तीसरी बार परीक्षा होगी। तकरीबन 10 लाख बेरोजगार रीट परीक्षा की मांग कर रहे थे। हालांकि अभी भी जो इसकी विसंगतियां थी उसको लेकर साफ नहीं किया गया है। 3 जो प्रमुख विसंगतियां थी उनके बारे में लक्ष्मी आपको बता दें कि एक तो जो ग्रेजुएशन का 30% का वेटेज है वो, साथ ही इस जो एक पात्रता परीक्षा होती है उससे 3 साल तक बार बार आवेदन किए जा सकते हैं भर्ती के लिए। इसके साथ ही एक बार पोस्टेड व्यक्ति
दोबारा इसमें आवेदन कर सकता है। तो इसको लेकर जो विसंगतियां थी उसको साफ नहीं किया गया है। हालांकि प्रदेश के बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर है क्योंकि 31,000 पदों पर जो रीट पात्रता परीक्षा होनी है उसको लेकर, लेकिन जो विसंगतियां हैं उसको लेकर भी अभी संशय की स्थिति बरकरार है। बहुत शुक्रिया ललित वर्मा पूरी बातचीत के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए पूरी खबर पर। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग हादसे हुए हैं, हादसों में कई लोग घायल हुए हैं। आपको हम 6 तस्वीरें दिखाते हैं। श्रीगंगानगर जिले के रावला मंडी में एक दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। यहां बस ने एक बाइक को टक्कर मारी, हादसे में बाइक सवार 3 लोगों में से 2 की मौके पर मौत हुई। सिरोही के आबू रोड रेवदर मार्ग पर बस पलट गई, हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। पोखरण नाचना रोड पर यात्रियों से भरी बस बेकाबू होकर पलट गई, हादसे में बस में सवार करीब 25 से 30 यात्री घायल हो गए, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। तो वहीं राजधानी जयपुर के कोटपुतली में बिजली का तार टूटकर मकानों पर लटक गया। वहीं अलवर बहरोड सड़क मार्ग पर धोली दुब के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं झालावाड़ जिले के गंगधार थाना क्षेत्र के तलावली गांव में खेती का काम करते समय एक किसान पैर फिसलने से कुएं में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। भरतपुर के बयाना में दुकान में सो रहे युवक की एक हत्या का मामला सामने आया है। युवक को गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया गया। ये वारदात भीतरवाड़ी मोहल्ले में सामने आई है। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जांच शुरू कर दी गई है। झालावाड़ जिले के गंगधार पुलिस ने एक आरोपी को पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी ब्रजमोहन मीणा ने बताया है कि आरोपी भारतीय कंजर को गश्ती के दल ने रोका है और उसकी तलाशी ली गई। तलाशी में उसके पास से एक ML गन बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, उसके खिलाफ आप एक्स में मामला भी दर्ज हुआ है। मुंडला के भरतिया को पकड़ा गया, उसके पास में एक ML गन जब्त की गई और थाने में आगे मुकदमा दर्ज किया गया। चूरू में व्यापारियों में चोरी की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। चोरी की घटनाओं में कोई कार्रवाई न होने से पुलिस से भी व्यापारी नाराज हैं। इसी के चलते बाजार बंद का आह्वान किया गया। व्यापारियों का कहना है कि शहर के मुख्य बाजार में चोर दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस खाली हाथ बैठी है। व्यापारियों ने यह भी कहा है कि मुख्य बाजार में दुकानों के ताले टूट गए, 4 दुकानों से चोरी हो गई, जबकि कुछ ही दूरी पर पुलिस कोतवाली है। जब तक पुलिस इन चोरों का खुलासा नहीं करेगी तब तक विरोध जारी रहेगा। 4 दुकानों पर चोरी हुई है, ये बड़े ही दर्दनाक और बड़े ही शर्मनाक घटना है। मुख्य बाजार पर इस प्रकार की चोरी होनी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है और मुख्य आज पूरा बाजार इस विरोध में बंद रह रहा है ताकि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाए और उसके बाद ही हम बाजार को खोलेंगे। क्रिसमस को लेकर ईसाई समुदाय में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जालौर में ईसाई समुदाय ने क्रिसमस कैरोल सिंगिंग का आयोजन किया, जिसके तहत शहर में जगह जगह घूम घूम कर प्रभु यीशु के आगमन की खुशी जाहिर की गई। फादर जोजो अब्राहम ने जगह जगह बच्चों को टॉफियां बांटी और इस मौके पर फादर ने जानकारी दी कि मंगलवार आधी रात को यीशु के जन्म होने की खुशी के बाद विश्वभर में हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस मनाया जाएगा। और आइए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में देश की महत्वपूर्ण खबरें। नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसा पर कांग्रेस की सियासत जारी, मेरठ में मारे गए लोगों के परिवार से मिलने जा रहे प्रियंका, राहुल गांधी को प्रशासन ने लौटाया। नागरिकता कानून के विरोध में जामिया के छात्रों का प्रदर्शन, मंडी हाउस के आसपास धारा 144, पुलिस की 3 और सीआरपीएफ की 2 कंपनियां में तैनात। CAA और NRC को लेकर मायावती का ट्वीट, केंद्र मुसलमानों की सभी आशंकाओं को जल्दी दूर करे। ओवैसी बोले NPR के जरिए NRC लागू करने की तैयारी। कोलकाता में नागरिकता संशोधन के समर्थन में बीजेपी का मार्च, JP नड्डा ने कहा ममता जनता को गुमराह कर रही हैं। दिल्ली के सीमलपुर में हिंसा करने वालों की फोटो पुलिस ने की जारी, 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नाम का आज हो सकता है ऐलान, देश में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की होगी नियुक्ति, 15 अगस्त को पीएम मोदी ने किया था ऐलान। यूपी के ललितपुर में आवारा कुत्तों का आतंक, 1 महीने के अंदर 300 से ज्यादा लोगों को काटा। दिल्ली के नरेला इलाके की जूता फैक्ट्री में लगी आग, 2 और फैक्ट्री तक फैली, सिलेंडर ब्लास्ट के बाद फैक्ट्री में लगी आग।
उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 70 के पास चलती कार में लगी आग, आग लगते ही कार चालक ने गाड़ी से कूदकर बचाई अपनी जान। दिल्ली में कपकपाती ठंड के बीच प्रदूषण स्तर फिर बढ़ा, AQI लेवल 363 दर्ज की गई, चांदनी चौक इलाके में सबसे ज्यादा 466 दर्ज हुआ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।